Hey everyone, welcome to CLAT Point and let's start today's the Hindu News Discussion जो कि CLAT, ALLB, DULLB, NLS, at another law entrance test आप 2022 या 23 में देने वाले हैं, आप लोगों के लिए important हो सकता है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। क्विज पे आते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री फॉलोज द लॉ एनी वुमेन नॉट गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड कैन बी डाइवोर्स्ड। तो थोड़ा सोच के देखिएगा, मे भी पता हो नहीं पता हो तो मैं तो कल के सेशन में आपको बताऊंगा ही। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले देखिए, आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस करने हैं उसमें सबसे पहला एक आर्टिकल आया है मैरिटल रेप से रिलेटेड। ये वैसे हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर रखा है, लेकिन ठीक है, आज भी इसमें कुछ नए पॉइंट्स निकलेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ ये देखिए, अभी क्या हुआ ना, हमारे गवर्नमेंट ने इशारा दिया है कि वो जो है वो क्रिमिनल लॉ में चेंज लेके आ रहे हैं। तो देखो, क्रिमिनल लॉ में चेंज की तो ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ इस मामले को लेके नहीं, बहुत सारे लॉज में बहुत पुरानी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि बहुत पुराने समय से फॉलो आ रहा है। लेकिन अभी तक एज सच कोई स्पेसिफिकली नहीं बोला गया है कि मैरिटल लॉ, मैरिटल रेप के ऊपर भी ये चीज़ सरकार जो है वो सोच रही है, नहीं सोच रही है। तो उसी पर एडिटोरियल निकला हुआ है, फिर निकला हुआ है क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए। तो थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, देखो व्हाट इज़ मैरिटल रेप। मैरिटल रेप का बेसिकली मतलब ये कि वन ऑफ द स्पाउस जो है वो सामने वाले की मर्जी के बिना उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, फिजिकल रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करे। तो दिस इज व्हाट मैरिटल रेप इज ऑल अबाउट। अब भारत के अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया हुआ है। करीबन देखिए 100 कंट्रीज ऐसी हैं विश्व में जहां पे मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया है। भारत जो है वो 36 कंट्रीज में से है जिन्होंने अभी तक मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया है। क्रिमिनलाइज का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ होती है उसको आप क्रिमिनलाइज कर दोगे तो फिर उसके ऊपर पनिशमेंट होगी अगर कोई उस तरीके की चीज़ों को करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ऐसा भारत में क्यों होता है, तो भारत में मैरिटल रेप को एज ए क्रिमिनल क्राइम की तरह इसलिए नहीं भी देखा गया, क्योंकि बहुत समय से पैट्रियार्कल विचारधारा चली आ रही है और वुमेन्स को एज ए प्रॉपर्टी देखा जाता है ऑफ अ मैन, जिसकी वजह से ये एक बहुत समय से मान के चलते हैं लोग कि हमारा अधिकार है, हम जब चाहें तब उस तरीके का चीज़ वुमेन्स के साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए मैरिटल रेप को लाया जा रहा है और इसको थोड़ा जेंडर न्यूट्रल लाया जाए, क्योंकि ये वाइस वर्सा भी ट्रू होता है, बहुत बार फीमेल्स भी मेंस के साथ इस तरीके की चीज़ें कर सकती हैं। तो वो एक बात है। भारत में देखो कुछ आंकड़े हैं मैरिटल रेप से रिलेटेड, थोड़ा सा देखते हैं। करीबन 70% ऑफ वुमेन इन इंडिया आर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। फिर इसके बाद एक आंकड़ा यहाँ पे आया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा, जिन्होंने 2019 में एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। इनका ऐसा कहना था कि इन इंडिया अ वुमन इज रेप्ड एवरी 16 मिनट्स एंड एवरी 4 मिनट्स शी एक्सपीरियंस क्रुएल्टी एट द हैंड्स ऑफ हर इन लॉज। फिर एक आंकड़ा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इनका एक आंकड़ा जो 2015-16 में आया था वो ये कह रहा है कि 99.1% ऑफ सेक्सुअल वॉयलेंस केसेस गो अनरिपोर्टेड और दैट द एवरेज इंडियन वुमन इज 17 टाइम्स मोर लाइकली टू फेस सेक्सुअल वॉयलेंस फ्रॉम हर हस्बैंड देन फ्रॉम अदर्स। तो ये यहाँ पे एक आंकड़ा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ऐसा कहता है कि मोर देन 2/3 ऑफ मैरिड वुमेन इन इंडिया बिटवीन द एज ऑफ 15-49 हैव बीन बीटन, रेप्ड और फोर्स्ड टू प्रोवाइड सेक्स। तो ये इस तरीके के कुछ डेटा हैं जो सपोर्ट करते हैं कि क्यों मैरिटल रेप को जो है क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। लीगल प्रोविजन क्या भारत में कुछ हैं इसके रिगार्डिंग फिलहाल? तो फिलहाल तो देखो ऐसा डायरेक्टली कोई प्रोविजन नहीं है। हमारे देश में सेक्शन 375 ऑफ IPC जो है वो रेप को डिफाइन करता है और वो उसको एज ए क्रिमिनल ऑफेंस कहता है, बट इसका एक एक्सेप्शन है जो कहीं ना कहीं मैरिटल रेप को ना लीगलाइज कर रहा है। कैसे? देखिए, जो एक्सेप्शन 2 है सेक्शन 375 का, वो ये कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ हिज वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर ऑफ एज इज नॉट रेप। अब ये आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि नॉर्मली इन्होंने ये कह दिया है कि 15 ईयर्स प्लस के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाया जा रहा है मैन के द्वारा तो वो रेप नहीं है। तो इसी एक्सेप्शन को हटाने के लिए काफ़ी समय से बवाल चल रहा है। गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो इसके बारे में सोच रही है। एक लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, इट विल बी कंसिडर्ड रेप इफ अ मैन हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हिज वाइफ इफ शी इज एज बिटवीन 15 and 18। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अलग पहलू इसके ऊपर दिया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक केस है, बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इनको रेप भी घोषित किया है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके की चीज़ें लिखी हैं। भारत में क्या कानून है फिलहाल महिलाओं को इस तरीके की प्रोटेक्शन के लिए? तो एक तो चलिए सेक्शन 375 का थोड़ा सा आंकड़ा लग सकता है, बट शादीशुदा महिलाओं के लिए मोस्टली जो है वो दो ही चीज़ बच जाती है। एक तो आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर सिविल ये तरीका हो गया, रेमेडी हो गई। एक होता है आपका IPC के अंदर सेक्शन 498A। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये फिलहाल महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस या फिर हस्बैंड के द्वारा क्रुएल्टी या इन लॉज के द्वारा क्रुएल्टी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब इसके
फेवर में क्या बातें कही जाती हैं, तो फेवर में कही जाती हैं कि भैया देखो आर्टिकल 14 जो है वो सबको राइट टू इक्वालिटी देता है, तो अगर शादी से पहले महिला का अधिकार था कि वो अपने महीना अपने मर्जी से चूज कर सकती है कि उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाना है कि नहीं जाना है, तो वो शादी के बाद भी रहेगा ना, एक शादी होने से उसका जो ये राइट है वो कैसे उससे छिन सकता है, और ये वाइस वर्सा भी है कि मैन का अगर शादी से पहले अधिकार है तो शादी के बाद कैसे छिन सकता है, तो ये एक इसके पीछे दिया जाता है। इसके बाद एक आर्टिकल 21 बोला जाता है कि देखो एवरी वन हैज़ राइट टू बॉडिली इंटीग्रिटी एंड प्रिवेसी। अब अगर कोई जबरदस्ती किसी के साथ करेगा तो फिर ये राइट तो उसका वायलेट हो रहा है। इसके अलावा स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस कृष्णप्पा में भी कोर्ट ने जो है वो इस बात पे अपने आप को सेम जगह पे पाया था। सुचेता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमने इस तरीके की चीज़ों को देखा था। तो ये कुछ मामले हैं इससे रिलेटेड। फिर देखिए कुछ लोग कहते हैं कि रेप इज़ रेप, फिर चाहे शादी से पहले हो चाहे शादी से बाद हो, है ना। और क्रिमिनलाइजिंग मार्जिन रेप के लिए ये भी बात कही जाती है कि बहुत सारी जगहों पे इसको ऑलरेडी क्रिमिनलाइज कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम लोग यूके का चीज़ों को फॉलो करते हैं, यूके के लॉज को फॉलो करते हैं काइंड ऑफ, जो कि आईपीसी हमने जो है वो यूके से उठाई है। तो यूके में खुद 1991 में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया है, तो अब भारत को भी कर देना चाहिए। निर्भया गैंग रेप केस के बाद एक जीएस वर्मा कमेटी बनाई गई थी, तो उन्होंने भी ये रिकमेंड किया था कि मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज। तो ये कुछ इसके फेवर में है, कुछ अगेंस्ट में क्या है। अगेंस्ट में कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया देखो जो मैरिज है वो एक इंस्टीट्यूशन है और इस तरीके की चीज़ उसमें आ जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी। दूसरा इसमें ये कि मिसयूज ऑफ लॉ, लॉ का जो है काफ़ी मिसयूज हो सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 498A का मामला है ना, बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। आपने अपने आसपास में कितनी बार ऐसा सुना होगा कि 498A का मिसयूज हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन कोई भी कानून का मिसयूज हो उसका ये तर्क तो नहीं है कि वो कानूनी ना लाया जाए जो लोगों की हेल्प कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से लाया जाना चाहिए कि जो मिसयूज है वो रुका जा सके। लॉ कमीशन के पास भी ये मैटर बहुत बार गया है लेकिन लॉ कमीशन ने आज तक रिकमेंड नहीं किया, तो ये भी एक इसके फेवर में बोलते हैं लोग, अगेंस्ट में बोलते हैं। एंड दूसरी तरफ एक ये बोला जाता है कि आर्टिकल 21 का कैसे वॉयलेशन है भाई, अगर राइट टू आप जो कह रहे हो कि प्रिवेसी और इंटीग्रिटी वाला वॉयलेट हो रहा है, तो महिलाएं क्यों रह रही हैं साथ में या पुरुष क्यों रह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, डाइवोर्स दे दो अलग हो जाओ। तो ये तो किस बात से बेसिस हुआ कि वॉयलेशन है इस चीज़ का? तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। इंडिया कॉलिंग विथ क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड इन माइंड। ये देखो कल भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, कल या परसों आई थिंक, इंडिया यूके के रिलेशन वाला, और वही चीज़ यहाँ पे आई है। देखो हुआ क्या है, पहले ना भारत और यूके भी ट्रेड करते थे लेकिन इस लेवल पे नहीं करते थे, क्योंकि यूके जो है वो किसका पार्ट होता था, यूरोपियन यूनियन का। तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे अलग तरीके के सिस्टम बैठे हुए थे ट्रेड के, तो वो चीज़ फॉलो होती थी। लेकिन अब क्या है, जब यूके जो है ये ईयू से बाहर आ चुका है, तो भारत जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है यूके के साथ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, मैंने आपको बताया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं दो कंट्रीज के बीच में वो हटा दिए जाते हैं, जैसे कि कस्टम कम कर दिया जाता है, टैक्स कम कर दिया जाता है, और भी जो फालतू के नियम कानून होते हैं वो कम कर दिए जाते हैं, जिससे कि आराम से लोग ट्रेड कर सकें। सिंपल सी बात है ना, अगर आप किसी कंट्री में 5 रुपए का माल भेज रहे हो, वो उस कंट्री में 15 रुपए का पड़ रहा है, तो क्यों उस कंट्री के लोग आपसे खरीदेंगे? वहीं आप किसी कंट्री में 5 रुपए का माल भेज रहे हो, वो आपको 8 रुपए में उस कंट्री में बिक रहा है, तो उस कंट्री के लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली आपका एक्सपोर्ट बढ़ाता है दोनों कंट्रीज का, तो ये एक अच्छी चीज है। अब क्या है, थोड़ा सा ये भी जान लो, देखो इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन यूके, इसमें आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते होंगे, मैंने एक दिन और इसको बताया था, एक बार और समझ लो। देखो इंग्लैंड बेसिकली सिंपल है, आपका ये वाला स्टेट है, ठीक है, इंग्लैंड ये आपका देश है, ये यहाँ पे है। ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आप देखिए आपके जो स्कॉटलैंड इंग्लैंड एंड वेल्स तीनों कवर होते हैं, और यूनाइटेड किंगडम क्या होता है, यूके क्या होता है, उसमें नॉर्दर्न आयलैंड भी इंक्लूड हो जाता है, ये तीन प्लस नॉर्दर्न आयलैंड। तो ये कन्फ्यूज लोगों की कन्फ्यूजन होता है कि सर इंग्लैंड क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूके क्या है, और इस पूरा आइल्स को जगह को जिसमें पूरा ब्रिटेन कवर होता है उसको बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स। तो ये सारी चीजें हैं। अब आज की कुछ न्यूज हैं जो देख ली जाए, एक न्यूज आई है ईडी अरेस्ट पंजाब सीएम छन्नीज नेफ्यू। तो ठीक है, ये तो पॉलिटिकल चीजें भी हैं कहीं ना कहीं। फिर क्या है, ओवीसी डिक्लाइंस जेड कैटेगरी सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ओवीसी ने जेड कैटेगरी सिक्योरिटी को जो है ओवीसी साहब ने डिक्लाइन कर दिया है। AIMIM प्रेसिडेंट जो हैं हैदराबाद के रहने वाले MP असदुद्दीन ओवैसी सेड दैट लोकसभा ऑन फ्राइडे दैट ही रिजेक्टेड द जेड कैटेगरी सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू हिम बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि इन्होंने ऐसा किया है। इसके अलावा अब आगे बढ़ें उससे पहले, अगर आप लोग एग्जाम्स की अपने तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को किसी भी तरीके के कोर्स चाहिए, अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे क्लैट के कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। क्लैट का हमारा मॉक टेस्ट है, क्लैट UG का 2022 का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, क्लैट 2023 का ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है,
प्लस एलेट के मॉक टेस्ट अब हमसे ले सकते हैं। अगर आप एनएलएसएट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनएलएसएट के 2022 या 23 के बैच में हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारे मॉक्स ले सकते हैं। आप क्लैट एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं तो 2022-23 के बैचेज हमारे चल रहे हैं, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, आप हमारे मॉक ले सकते हैं। ड्यूएल एलबी का कोर्स चल रहा है, ड्यूएल एलबी के मॉक्स आप हमसे परचेस कर सकते हैं। करना क्या है आपको, देखिए इन सभी कोर्सेज में इनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारा वेबसाइट का लिंक है, हमारे ऐप का लिंक है, आप ऐप डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और जिस भी कोर्स में आप चाहें इनरोल कर सकते हैं। आप दिए हुए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, लोक आयुक्त रिजेक्ट्स प्ली टू ऑस्ट मिनिस्टर। अभी ये क्या है, देखो केरला का ये पूरा मामला है, कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि केरला के अंदर क्या हो रहा था। केरला के अंदर एक मिनिस्टर है, उनको लोकपाल ने, लोकायुक्त ने, देखो लोकपाल एंड लोकायुक्त में सिंपल अंतर है, जहाँ पे यूनियन का कंट्रोल होता है वो लोकपाल बनाता है, जहाँ पे स्टेट होती है वहाँ पे लोकायुक्त बनता है। तो केरला में हुआ क्या था, केरला के अंदर कुछ समय पहले हुआ ये कि मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन एंड माइनॉरिटी वेलफेयर, मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन माइनॉरिटी वेलफेयर केटी जलील जो हैं, इन्होंने रिजाइन दे दिया था जब लोकायुक्त ने इनको फाउंड ऑफ गिल्टी पाया था नेपोटिज्म के लिए। उसके बाद देखने को ये मिला कि केरल की जो सरकार है वो ये कहने लगी कि भैया लोकायुक्त जो है ना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये किस तरीके का नियम है कि तुरंत आपने इसको बंदे को आपने रिज़ाइन करा दिया, इनको गिल्टी फॉर्म कर दिया, ना ही आपने इनसे रिप्लाई मांगा, ना ही आपने इनको ड्यूरेशन दिया अपने आप को प्रूफ करने के लिए, ना ही ये कहीं अपील कर सकते हैं। तो इसके चलते हुए इन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाने की सोची। ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहता है और जल्दी से कोई कानून सरकार को पास कराना होता है तो वो ऑर्डिनेंस लेके आती हैं। तो जो बीजेपी है और जो कांग्रेस है वो इस तरीके इसका अपोजिशन अपोज कर रही है, उनका ऐसा कहना है कि आप क्यों जो है अभी ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हो, थोड़ा वेट करो, जब असेंबली आ जाए सेशन में तो आप इसको पास करा लीजिएगा। तो ये पूरा बवाल है। अब थोड़ा सा और जानते हैं, देखो क्या होता है लोकायुक्त और किस तरीके से लोकायुक्त आया है। तो देखिए लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 जो है वो प्रोवाइड करता है लोकपाल के बारे में, लोकायुक्त के बारे में। लोकपाल जो है वो यूनियन जहाँ पे कंट्रोल करती है वहाँ होता है, लोकायुक्त जहाँ पे स्टेट कंट्रोल करती है वहाँ होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट से बनी है। स्टैट्यूट कौन सा है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। एक ऑम्बड्समैन है जो इंक्वायर इंटू एलिगेशन ऑफ करप्शन करती है। कौन अपॉइंट करता है लोकायुक्त को, तो फॉर्मर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज को फिक्स टेन्योर के लिए लोकायुक्त बनाया जाता है। क्या प्रोसेस है, तो चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं लोकायुक्त को आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल सब स्टेट में नहीं है, तो जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंक्लूड करेंगे, जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे नहीं करेंगे। एंड द अपॉइंटमेंट इज देन मेड बाय गवर्नर। कितने स्टेट्स में है लेजिस्लेटिव काउंसिल, सोच के देखिए। वंस अपॉइंटेड लोकायुक्त कैन नॉट बी डिसमिस नॉट ट्रांसफर्ड बाय द गवर्नमेंट, इट कैन ओनली बी रिमूव बाय पासिंग एन इम्पीचमेंट मोशन बाय स्टेट असेंबली। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी। इसके अलावा केरला ने इसको कहा है कि भैया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों कहा है मैंने आपको ये भी बताया है। लोकायुक्त में देखिए कम से कम जो आप देखो अभी प्रॉब्लम क्या है ना, किसी बंदे को अगर कर दिया कि भैया ठीक है तुमने खराब काम किया है, तुमने कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस करी हैं, अब तुमको हम हटा रहे हैं, तो वो ना कहीं अपील कर सकता है ना ही उसको जवाब देने का समय मिलता है। तो ये चीज़ तो चलिए ठीक है, लेकिन उसके लिए अब आप पूरे इसको बोल दें कि भैया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा बोला जा रहा है केरल गवर्नमेंट के द्वारा कि 163 एंड 164 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उसका वॉयलेशन है। तो यही यहाँ पे न्यूज़ है कि द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट सीम टू Have a sign of relief on Friday when the Kerala Lokayukt rejected a plea by Congress leader Ramesh Chennithala to oust Higher Education Minister R. Bindu from office on charges of maladministration, abuse of power and nepotism. तो यहाँ पे देखिए एक के ऊपर तो हुआ ही था, दूसरों के ऊपर करने की कोशिश करी गई थी, पर इस बार जो है लोकायुक्त ने अभी तो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ये सारे मामले हैं और लेट्स सी आगे क्या होता है। कुछ समय पहले ये मामला आया था कि केरल चाहती है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना, और मे बी कर भी दे, ऑर्डिनेंस लाई रहे हैं। फिर क्या, हरियाणा गवर्नमेंट टू बिल्ड कॉन्सेंसस ऑन जॉब लॉ। देखो अभी हुआ क्या था, हरियाणा ने कुछ समय पहले घोषणा कर दी थी कि भैया हम 75 रिजर्वेशन जो है हमारे स्टेट के परसेंट हमारे स्टेट के लोगों को दो, हमारे यहाँ पे कोई भी प्राइवेट कंपनीज भी हैं तब भी। अब इसमें क्या हो रहा था, इसमें भैया फिर लोग ना इन्वेस्टमेंट ही क्यों करेंगे भाई, वहाँ पे कंपनी खोल के अगर टैलेंट नहीं है उस लेवल का तो वहीं के टैलेंट को जबरदस्ती हायर करना पड़ेगा, तो उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम में आएगी। तो इस वजह से ये काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था, काफ़ी चीज़ें चल रही थी, तो उसी पे अभी फिर से बोला गया है कि रिकंसीडर करेंगे हम लोग, बात करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या रीज़न था इसके पीछे, तो देखिए एक तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है ही है, आर्थिक सुस्ती, इकोनॉमिक स्लगिंगनेस प्रॉब्लम है हरियाणा में, मतलब ज़्यादा इकोनॉमी अभी ग्रो नहीं कर रही है।
इनकम एंड टैलेंट इंक्रीज करने, लेकिन ये बहुत गलत बात है। इनकम तो आप जनरेट कर देंगे, लेकिन टैलेंट इंक्रीज करने के लिए एजुकेशन पे काम करिए, जबरदस्ती नौकरी ना दिलाइए। प्री कंडीशन फॉर लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन मतलब देखिए फार्मर्स एंड विलेजर्स की लैंड एक्वायर करी जा रही है, तो उनको उसके बदले में कुछ दिखाया जा रहा है कि अगर आप करेंगे तो इस तरीके की चीज़ें आपको होगी, ठीक है। अब देखिए कल की भी हमारी न्यूज़ बाकी थी, तो वो भी हमें कवर करनी है, तो वो यहाँ से शुरू हो रही हैं, देखते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट मेक्स इलोबरेट अरेंजमेंट फॉर पीएम विजिट टुडे। ये देखिए मैंने श्री रामानुजाचार्य के बारे में आपको बताया था, ये मोदी जी के द्वारा 216 फीट टॉल स्टैचू जो है वो अनवेल करी जाएगी, एंड इसको दूसरे नाम से भी कुछ बोला जाता है, मैंने आपको बताया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। इनके बारे में हमने डिस्कशन भी किया हुआ है, ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है, वही चीज़ रिपीट लिखी हुई है। तेलंगाना के पास ये जो है, तेलंगाना नहीं, हैदराबाद के पास ही जगह है, आई थिंक 20-30 किलोमीटर, वहां पे इसको अनवेल किया जा रहा है। इसके बाद अगला आर्टिकल है स्टॉप लैंड एक्विजिशन फॉर सिल्वर लाइन सेज सेंटर। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया है कासरगोड से लेकर थिरुवनंतपुरम तक ही एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, रेलवे के लाइन बनाई जा रही है, जिसमें करीबन 10 से 11 स्टेशन इन्होंने कनेक्ट करेंगे, 5 to 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे, और मैक्सिमम स्पीड ट्रेन जो लेगी 200 किलोमीटर पर आवर लेगी। इसमें काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, बहुत सारी ज़मीनें ली जा रही हैं एंड बहुत सारे जंगलों को काटा जा रहा है, तो उसी के चलते वो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि स्टॉप लैंड एक्विजिशन फॉर सिल्वर लाइन, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है। इसके बाद यहाँ पे एक न्यूज़ है, मैन किल्स वाइफ ओवर सस्पिशन ऑफ अफेयर। तो ऐसी न्यूज़ हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दो इसे, मर रहे हैं जो भी हो रहा है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। नीड टाइम टू कंसल्ट स्टेक होल्डर्स ऑन मैरिटल रेप्स, सेंटर टेल्स हाईकोर्ट। तो ये अभी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया, कल ये न्यूज़ में भी आया था। फिर क्या है, सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ भीमसेन जोशी। तो हु इज़ भीमसेन जोशी, ऑफकोर्स ये बहुत ही फेमस जो हैं वो आपके म्यूजिशियन थे, तो इनके 100 ईयर्स सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लीजिएगा कौन है। सिल्वर लाइन हैज़ इन प्रिंसिपल नॉट क्लेम्स केरला फाइनेंस मिनिस्टर, ये कल की न्यूज़ थी, वही चीज़ यहाँ पे घूम फिर के आ रही है। इंडियाज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ओवर वर्क, अंडर स्टाफ, ज़्यादा काम कर रहे हैं, प्रॉपर लोग नहीं है, तो ये एक न्यूज़ है। फिर क्या है, WHO साइट शोज इंडियाज विदाउट JNK सेज MP। तो देखो WHO की एक वेबसाइट है जहाँ पे कोविड की कंडीशन बताई गई है, तो उसमें जम्मू कश्मीर को हमारे मैप में नहीं दिखाया हुआ है, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश की जगह को भी थोड़ा सा अलग दिखाया है। तो WHO ऐसा क्यों करता है कि जो मतलब और कंट्रीज के पंगे में ना फंसे, चाइना ना दबाव डाले और कहीं पाकिस्तान के क्रिटिसिज्म में ना आ जाए, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिकली सही रहने की कोशिश करते हैं, तो उसी का क्रिटिसिज्म यहाँ पे किया गया है। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस प्ली टू पोस्टपोन गेट 2020 एग्जाम, 2022 का गेट एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। जाफना फिशरमैन होल्ड प्रोटेस्ट अपोजिंग इंडिया ट्रॉलिंग्स, ये क्या है, इंडिया श्रीलंकर फिशरमैन इशू मैंने बहुत पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में आया था, थोड़ा सा इसको आज फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, और ये बीच में आपका जो है ये पाकबे होता है। अब ये क्या है पूरा मामला, ये देखो ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है श्रीलंका इंडिया के बीच में, हमारे मछुआरों को यहाँ तक आके मछली पकड़ना अलाउड है, श्रीलंका के मछुआरों को यहाँ तक आके मछली पकड़ना अलाउड है, लेकिन होता क्या है कि भारत के मछुआरे इस इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं। अब आपके दिमाग में ही आएगा कि सर ऐसा क्यों करते हैं भैया, समुद्र तो वहाँ भी है, यहाँ भी, यहीं से पकड़ लें। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो श्रीलंका वाला साइड है वहाँ पे आप ये देख सकते हो कि डाइवर्सिटी ज़्यादा है, और वहाँ पे जो मछली की क्वालिटी मिलती है ना वो बेटर मिलती है कंपेयरटिव टू द इंडियन वाला सी का पोर्शन। इसके पीछे एक और कारण है, वो ये है कि हमारे साइड वाला जो पोर्शन है ना, हमारे मछुआरों ने ऑलरेडी इतना ज़्यादा वहाँ से मतलब कह सकते हो मछलियाँ निकाल रखी हैं, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स यूज़ कर रखा है, पर श्रीलंका के साइड में इतना अभी नहीं हुआ है। तो ये जो पाक स्ट्रेट है इसी से पूरी चीज़ें डिसाइड होती हैं, और इसके इधर जो है हमारे भारतीय मछुआरे मछली पकड़ते हैं, और इसके इधर श्रीलंका वाले पकड़ते हैं, लेकिन भारतीय मछुआरे इस लाइन को रिस्क लेके क्रॉस भी कर देते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मछली चाहिए होती है जिससे कि वो ज़्यादा पैसा कमा सकें। इसकी वजह से क्या होता है कि समय समय पर श्रीलंका के जो आपकी जो पुलिस है या फिर जो उनकी आर्मी है वो बॉर्डर पर इस तरीके की सिचुएशन देख के जब भी वो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री पे चीज़ें देखती हैं तो बहुत बार शूट कर देते हैं, बहुत बार अरेस्ट कर लेते हैं, और समय समय पर हम लोग ये न्यूज़ सुनते रहते हैं। अब इसका मेन कारण क्या है, देखो भारत के जो मछुआरे हैं ना वो ये डिमांड करते हैं कि ये जो आइलैंड है ना इसका नाम देखिए क्या है, आपको मैंने बताया था, याद करिए जल्दी से, किस आइलैंड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कच्छातीवु आइलैंड की बात कर रहा हूँ। भारत के मछुआरे ये बोलते हैं कि जो कच्छातीवु आइलैंड है ना ये भारत का पार्ट है, जो कि है। ये क्या हुआ ना, इंदिरा गांधी जी ने इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मछली का डिस्प्यूट था, ये इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन का डिस्प्यूट था, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए जब इंदिरा गांधी जी ने प्रॉपर प्रपोजल रखा तो उसी में उन्होंने श्रीलंका को एक अच्छा तीवू आइलैंड गिफ्ट कर दिया। अब हमारे मछुआरों का ये कहना है कि पहले तो हम यहाँ पे रुकते भी थे, मछली पकड़ते थे, अब ये श्रीलंका के अंडर में चला गया है, तो भैया ये तो गलत है।
अब दूसरी चीज ये है कि भारतीय मछुआरे को इतने ज्यादा क्यों श्रीलंका के द्वारा पसंद नहीं किए जा रहे हैं अपने जगहों पे, तो सबसे बड़ा कारण कि हमारे जो मछुआरे हैं ना वो ट्रॉलर से खेती बोल रहा हूँ बार बार यार, ट्रॉलर से मछलियां पकड़ते हैं। ट्रॉलर्स क्या होता है, ट्रॉलर्स देखो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े जालियां होती हैं उसको पानी में डाल दिया जाता है और एक सारी खूब सारी मछलियां निकल आती हैं। तो ये श्रीलंका के मछुआरों को प्रॉब्लम है, उनका ये कहना है कि ट्रॉलर्स में छोटे छोटे मछलियां भी आ जाती हैं, मछलियों के अंडे भी आ जाते हैं, जिससे कि फिर आगे जो ब्रीडिंग होनी है वो नहीं हो पाती है। तो इसीलिए भारत के मछुआरों को रोका जाता है इस एरिया में मछली पकड़ने के लिए। और दूसरा, इंटरनेशनल बाउंड्री आप क्रॉस कर रहे हो। दूसरा क्या है, देखो 2009 से पहले ना श्रीलंका में सिविल वॉर था, तो ये जो जाफना वाला रीजन है ना ये खाली होता था, यहाँ के लोग भाग गए थे यहाँ से। पर क्या हुआ, जब चीजें सेटल हुई तो 2009 में वापस लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए। उसके बाद अब ये लोग यहाँ मछली पकड़ने जाते हैं, तो अब इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती ना भैया, हमारे जगह पे हम जहाँ से रोजी रोटी कमा रहे हैं वहां से पता पड़ रहा है इंडिया वाले भी आ रहे हैं। तो ये काफी समय से प्रॉब्लम हो रही है, जिसके वजह से ये चीजें देखने को मिलती है। भारत और श्रीलंका में ये 1922 से प्रॉब्लम है, जब वहां पे आपका जो इंग्लैंड है वही रूल करता था, ब्रिटिशर्स ही रूल करते थे, उसके बावजूद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला था। फिर इंदिरा गांधी जी ने 1974 या 6 में, 1970s में, मिड 1975 के आसपास एक एग्रीमेंट किया था इंडिया श्रीलंका के बीच में, जिसका नाम था इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन, बनाई गई थी। उसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने कच्चातीवु आइलैंड जो है वो श्रीलंका को दे दिया था, और वहां से चीजें जो है आप कह सकते हो थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। लेकिन फिर वही चीज होने लगी, हमारे जो तमिलनाडु केरल के मछुआरे हैं वो इंटरनेशनल मैरिटाइम जो है उसको क्रॉस करने लगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमारे जो मछुआरे हैं वो ट्रॉलर्स का यूज करना बंद कर दें, और डीप सी फिशिंग होती है, डीप सी फिशिंग का मतलब होता है जाल डाल, वो कांटा डाल के मछली को पकड़ना, उसको डीप सी फिशिंग कहते हैं, इसको प्रमोट करा जाए इनके बीच में और इसको समझाया जाए इसके फायदे। अब देखो ट्रॉलर्स में क्या होता है ना, कम समय में ज्यादा मछली आ जाती है नो डाउट, लेकिन उससे फ्यूचर के लिए आप अपना नुकसान कर रहे हो। डीप सी में ये चीज नहीं होती है, श्रीलंका के मछुआरे डीप सी टेक्नोलॉजी का ही यूज करते हुए मछली पकड़ते हैं, तो ये चाहते हैं हमारे यहाँ के लोग, और ये सारी चीजें हैं। फिर क्या है, रशिया डिप्लॉयज मोर ट्रूप्स इन बेलारूस, नेटो रशिया यूक्रेन पूरा प्रॉब्लम चल रहा है, पता है आपको, तो बेलारूस में इन्होंने और ट्रूप्स डिप्लॉय कर दी है। तो ये हमारा आज का सेशन था, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। आज हमने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल डिस्कस किए हैं जो कि हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। कल है संडे तो कल हमारा सेशन नहीं होता, जो कि कल हिंदू में एडिटोरियल भी नहीं आते हैं, कल की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो हम मंडे में कवर कर लेते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे किसी भी कोर्सेज में इनरोल करना चाहें कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है, चाहे फिर डीयू का कोर्स हो, चाहे क्लैट एलएलएम का कोर्स हो, क्लैट यूजी का कोर्स हो, एनएलएसएट का कोर्स हो, एलएट का कोर्स हो, आप इसमें से किसी में भी इनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, स्टोर सेक्शन में जाके कोर्स को परचेस कर लेना है। आप किसी भी एग्जाम के इनमें से मॉक्स भी ले सकते हैं, क्लैट पॉइंट में बहुत ही उमदा किस्म के मॉक्स आपके लिए बनाए गए हैं, तो मॉक दीजिए, मॉक दिए बिना तो किसी भी एग्जाम में जाइएगा ही नहीं। फ्री मॉक्स भी हर एग्जाम के हमारे आपको ऐप पे मिलेंगे, एक एक मॉक फ्री है, तो आप उसको ही अटेम्प्ट कर लीजिए अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हैं, आपकी तैयारी थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल में इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।